एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं सर्कल से रिलेटेड एक थ्योरम। और इस थ्योरम में क्या दिया गया है, तो हमारे पास यहाँ स्टेटमेंट गिवन है, वो क्या है, तो ऑफ एनी टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सो दैट द वन विच इज लार्जर इज नियरर टू द सेंटर। मैं फिगर के माध्यम से आपको इस थ्योरम को समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। देखिए, हमारे पास अगर एक सर्कल है और उस सर्कल में दो कॉर्ड है, ठीक है, एक मान लेता हूं कि हमारा ये कॉर्ड है और इस सर्कल का सेंटर यहां पे है, ठीक है, एक ये हमारा कॉर्ड है और दूसरा कॉर्ड कौन सा है, ये है। तो आप क्लियरली ये देख पा रहे होंगे कि सेंटर से इसका डिस्टेंस ज्यादा है और इसका डिस्टेंस कम है। तो वही चीज हमें प्रूफ करना है कि जो कॉर्ड लार्जर होगा वो नियरर टू द सेंटर होगा। ये लार्जर है इन कंपेयर टू दिस कॉर्ड, तो ये नियरर होगा, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। इट मींस हमें क्या प्रूफ करना है, देखिए ये मान लेते हैं ये ओ है तो ये ओ ई और ये हमारा एफ हो जाएगा, ठीक है, ये हम मान लेते हैं दिस वन इज एफ, ठीक है। तो हमें बस ये प्रूफ करना है, हमारे पास दिया गया है क्या, ए बी एंड सी डी इज टू कॉर्ड एंड हमारे पास गिवन है कि ए बी इज ग्रेटर देन सी डी। हमारे पास क्या गिवन है कि कॉर्ड ए बी जो है वो कॉर्ड सी डी से क्या है, बड़ा है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर से डिस्टेंस हमारा ओ ई होगा। तो अगर ए बी बड़ा है तो ओ ई जो डिस्टेंस है सेंटर से वो हमारा छोटा होगा ओ एफ से। हमें ये प्रूफ करना है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना, और ये तो हमारे पास क्या है, गिवन है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन हमारे पास गिवन क्या है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग स्टार्ट जो भी अगर किसी भी थ्योरम को शुरू करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो गिवन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन क्या है, तो ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड, हमारे पास दो कॉर्ड दिया गया ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल सी ओ आर, मतलब कि सर्कल हैविंग सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या दिया गया है, तो इसके बाद आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि एंड ओ ई एंड ओ एफ आर परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली, एंड ओ ई एंड ओ एफ आर परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। हमारे पास बस ये गिवन है कि ये ओ ई और ओ एफ परपेंडिकुलर है और ए बी क्या है, सी डी, ए बी और सी डी दो कॉर्ड है। एक कंडीशन और गिवन है कि ए बी इज ग्रेटर देन, ए बी हमारे पास क्या है, ए बी इज ग्रेटर देन क्या है, सी डी। ऑल्सो यहां पर हम मेंशन कर देंगे ऑल्सो ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, ठीक है। अब हम लोग क्या, हमें जो प्रूफ करना है वो मेंशन करेंगे। तो टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ओ ई इज लेस देन ओ एफ, ये हमारे पास प्रूफ करना है। हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन वाला स्टेप हमारा क्या होगा, तो ज्वाइन करेंगे किसको किसको, ओ ए एंड ओ ए को ज्वाइन कर देंगे और ओ डी को ज्वाइन कर देंगे, एंड दीज टू आर इक्वल टू इच अदर बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ज्वाइन ओ ए एंड क्या कर देंगे, ज्वाइन ओ ए एंड ओ डी, एंड दीज टू आर इक्वल बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, ठीक है। अब देखिए, तो यहां से हम लोग करते हैं प्रूफ, ठीक है, प्रूफ यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ओ ए ई, देखिए यहां पर चलिए ख्याल छोड़िए, ये प्रूफ और ये प्रूफ इग्नोर कर सकते हैं आप, ठीक है। हम ट्राइंगल इसमें देख रहे हैं ओ ए ई में, आप क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज अगर यहां से परपेंडिकुलर डाले हैं तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। दूसरा चीज आप ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर ओ ई परपेंडिकुलर है ए बी पे तो ए बी को वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा,
ठीक है, हालांकि उसको हम बाद में एक्सप्रेस करेंगे। और अगर OF भी अगर परपेंडिकुलर है मींस CD को वो बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये आप पढ़ चुके हैं ठीक है। या फिर अगर आपको इस थ्योरम में जो अभी मैं स्टेटमेंट बोला उस थ्योरम में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप सर्कल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो सारे अपलोड किए जा चुके हैं ठीक है। तो OAE की अगर बात की जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम ये लिख सकते हैं OA स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, ये होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट या अल्टीट्यूड स्क्वायर, वही चीज हमने करा है। इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं। अब आप दूसरे साइड में चलिए, इन ट्राइंगल ODF में, ODF की अगर बात करें तो यहां पर हमारे पास क्या है, ODF में अगर ऑब्जर्व करें तो हम ये लिख सकते हैं ODA स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर ठीक है, और ये भी सेम बाई पाइथागोरस थ्योरम ठीक है। और इसको इक्वेशन आप टू मान लीजिए, देखिए तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू ये है और ODA स्क्वायर इज इक्वल टू ये है, आप ये देख चुके हैं पहले ही कि OA और OD क्या होगा, इक्वल होगा ठीक है। OA और OD क्या होगा, इक्वल होगा, अगर दो टर्म इक्वल है तो उसका स्क्वायर भी इक्वल होगा, मींस ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है, और अगर ये दोनों इक्वल है मतलब कि यहां से हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है कि ये और ये दोनों भी इक्वल होगा एक दूसरे के ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन नंबर वन एंड टू से हम ये लिख सकते हैं OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर ठीक है। अब देखिए तो ये दोनों हम लिखें तो इसका कारण भी हमें मेंशन करना पड़ेगा, यहां से हम ये लिख सकते हैं, यहां ब्रैकेट में आप लिख दीजिए OA इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू R सच, या फिर यहां से हम ये इस तरीके से मेंशन कर देंगे, अगर OA और OD इक्वल है मतलब कि OA स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हम ये दोनों को इक्वल कर दिए हैं। अब यहां से सोचने वाली बात ये है, अब देखिए थोड़ा सा और यहां से समझिए, आई थिंक आपको इसके नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं वो सर्कल को तो इरेज नहीं कर सकता तो मैं इस साइड थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ठीक है, ये वाला पोर्शन मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं जिससे आपको मैं यहां समझा पाऊं ठीक है। देखिए बहुत इजी सा है थ्योरम, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और आप अगर थोड़ा बहुत एफर्ट लगा दें तो आप इजीली समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं और आपको कैसे प्रूफ करना है ठीक है। देखिए ये तो आपने पहले ही देखा है, ये आप पहले देख चुके हैं कि AB जो है वो किससे ग्रेटर है, AB इज ग्रेटर देन CD ठीक है, तो AB बाई 2 भी क्या होगा, ग्रेटर होगा CD बाई 2 से ठीक है, ये तो खैर आपको क्लियर होगा। और AB बाई 2 किसके इक्वल है, AB बाई 2 हमारा किसके इक्वल है, तो AE के इक्वल है, और वो किससे बड़ा होगा, तो CD बाई 2 किसके इक्वल, तो DF के इक्वल। अब यहां से ऑब्जर्व कीजिए तो इसको आप इक्वेशन आप मान लो थर्ड और इसको मान लो फोर्थ ठीक है। अब यहां से ऑब्जर्व करो कि अगर कोई भी यहां दो टर्म इन दोनों टर्म के इक्वल है और AE कहा जा रहा है कि ये बड़ा है इससे, तो जाहिर सी बात है ये छोटा होगा इससे। मान लो कि हम दो लोग हैं या फिर ये दो लोग हैं ठीक है, और हम भी दो लोग हैं, एक मैं और एक और आप मान लो ठीक है, तो हम दोनों के पास जितना पैसा है उतना ही इन दोनों के पास भी पैसा है, और ये कहा जा रहा है कि रेड वाले के पास मेरे से ज्यादा पैसा है, मेरे से ज्यादा पैसे इस रेड वाले मार्कर के पास है, तो जाहिर सी बात है ये ब्लू वाला जो मार्कर है उसके पास आपसे कम होगा पैसा, तभी ना हम दोनों का बराबर हो पाएगा, हमारे और आपके पास मिला करके जो पैसा है वो इन दोनों के पास मिलाने के बाद उसके इक्वल है, तो ये कंसेप्ट यहां पर लगाना है। तो हम यहां से डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4. ये दोनों इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो OE जो होगा बिकॉज AE इज ग्रेटर देन DF, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर AE ग्रेटर है तो AE स्क्वायर भी ग्रेटर होगा DF स्क्वायर से, ठीक है ना। आप थोड़ा बहुत अगर एक्सटेंड करना चाहो तो आप यहां पर ये भी मेंशन कर सकते हो कि AE इज ग्रेटर देन DF देन AE स्क्वायर इज ग्रेटर देन DF स्क्वायर, ठीक है। अब डायरेक्टली मैं तो यहां से डायरेक्टली लिख सकता हूं, ठीक है, कि OE स्क्वायर क्या होगा, वो लेस होगा किससे, OF स्क्वायर से, और अगर लेस होगा स्क्वायर दोनों साइड से हम कैंसिल कर देंगे, मतलब कि OE जो है OF से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। प्रूफ, हमें यही चीज प्रूफ करना था। देखिए मेरा उद्देश्य आपको बस समझाना, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम प्रूफ, प्रूफ तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, बस मैं ये चाहता हूं कि आप समझ पाओ, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा था, मैंने ये दो, मतलब ये हाइपोटेनस इस राइट एंगल ट्रायंगल का हुआ और इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस ये हुआ, ये दोनों को मैंने कंपेयर कर दिया बिकॉज दीज टू आर रेडियस ऑफ अ सर्कल, सो दीज टू आर इक्वल, तो ये क्या आया, ओ ए स्क्वायर जो आया वो इसके इक्वल आया, ओ डी स्क्वायर इसके इक्वल आया, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होगा। और यहां से मैंने आपको समझाया कि अगर ओ ई बड़ा है DF से तो जाहिर सी बात है OE छोटा होगा OF से, बस इसको मैं एक्सप्रेस कर दिया हूं, ठीक है। आई थिंक आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप वहां से जाकर के आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के सबसे नीचे साइड में आपको मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, तो वहां से आप जाकर के मुझे टेक्स्ट करो, मैं आपको ट्राई करूंगा कि आपको समझा पाऊं, ओके। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।